एवरीवन, मैं हूँ आपके इंसाइडर आसमा फल्ला एंड यू आर वाचिंग स्प्लिट विला सीजन 15। और मेरे साथ है आज शोभिका, जो चलती फिरती लाल बत्ती लग रही है मुझे। एक एनिमी कैरेक्टर होता है ना, जिसने पीछे पैन निकाल के मुझे तो अभी डर लग रहा है। चूरी छुरी वूरी तो नहीं डाल के लाई हो ना अपने जूते वूते में कहीं पे? हाँ है अंदर। हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 words? Yeah, I'm funny. I think I'm funny, which is, it works in both ways. And, cute? Funny to lag rahi ho mujhe. Cute? Haan, funny to, haan, maine kar diya na thoda bahut. Mujhe laga ulti aa rahi hai tumko. Words hi aise nikal rahe hai, main kya karun? I will go for sassy, cunty and funny. Isme se koi bhi word Hindi mein tha nahi, lekin, Okay. So, what's your type in a man? Men या boy? This area? हाँ, जो I feel like abs. And then this area also should be working properly. तो abs चाहिए बस, और बाकी abs और दिमाग, बाकी that's the way आप entry मिलता है आपको, उसके बाद हम देखते आगे। So what are you exactly looking for in Splitsvilla? Love. I'm looking for love. The boy should be hot, right? Okay. But ऐसा है कि आप लोग curate करके 11 या 10 सबसे हॉट लड़के लाते, तो मैं उसमें से चुनू ना, वाइट पिक फ्रॉम द रिफ्रैफ। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, पिक फ्रॉम द बंच ऑफ हॉट गाइस एंड देन फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ। सारे हॉट है, सबसे ज्यादा हॉट आप कैसे जज करोगे कि ये सबसे ज्यादा हॉट है? फनी होना चाहिए, मेरे को फनी बहुत हॉट लगता है। स्माइल अच्छी हो तो वो भी okay, मेरा दिल आ जाता है उस पे। 3 green flags एंड 3 red flags मेरे बारे में? नहीं, लड़के के बारे में ऑफ कोर्स, तुम्हारे बारे में नहीं, लड़के में। ग्रीन फ्लैग, मुझे टाइम चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। इफ मैं किसी को डेट करना शुरू की थी, मेरे को बहुत टाइम चाहिए होता है उनका, तो ये आई थिंक दैट इज़ अ ग्रीन फ्लैग। अगर कोई बंदा टाइम दे सके ठीक से, आई डोंट मीन कि पूरा दिन मेरे साथ रहो, बट अगर ज़रूरत हो तो होने चाहिए वहाँ पे। द ग्रीन फ्लैग शुड बी फनी यार, कि आप फनी हो तो आप दूसरे बंदे के साथ बैठे हो, यू नो यू हैविंग गुड टाइम, यू हैप्पी, सो फनी। बस इतने में आप पट जाओगी। अभी तीसरा भी तो है। ओके, और स्मार्ट भी होना चाहिए दिमाग, मतलब चलना नहीं चाहिए। इट शुड बी कि अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आई शुड लर्न समथिंग, कॉन्वर्जेशन में कुछ नया होना चाहिए। जिस कांट टॉक टू समबडी जिसका दिमाग ही नहीं चलता हो। रेड फ्लैग्स जो होगा तो तुम भाग जाओ यार। एक होगी जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है ना, जिन लड़कों की जो आगे पीछे चलती रहती है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ, 8th class से लेके 25 ईयर्स की उम्र तक वो ही गर्लफ्रेंड चल रही है। तो तुम्हारे पीछे कभी तुम्हारा एक्स नहीं आया क्या? आया है, पर अगर मुझे कोई अच्छा लगता तो वो चले जाता है, उसको मौका नहीं मिलता मुझसे बात बूत करने का। और लड़का भी ऐसा ही होना चाहिए, पर मैंने देखा है लड़कों का बहुत होता है कि कोई 9th class की एक्स है जिसके पीछे उनका अभी तक हमारा दिल टूटा हुआ है, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है मुझे। एक और रेड फ्लैग मुझे लगता है जो बहुत लाइक यू नो समटाइम्स ऐसे लड़के होते हैं जो भी लाइक थोड़ा चिल करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा इतना मत करो, वो आई थिंक इज थोड़ा रेड फ्लैग। बिकॉज आई एम लाइक यार, अगर तुम किसी के साथ हो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, वो इंसान अब नहीं अच्छा लगता तो उसके साथ हो क्यों? तो काम नहीं होना चाहिए उसको, एग्रेसिव होना चाहिए? नहीं उसको नहीं, आई जस्ट फील कि आप जो बंदा है उसको ही शुडन बी टेलिंग कि ये मत करो वो मत करो। आप किसी के साथ हो तो आप उनको उनके साथ इसलिए होगी आपको वो पसंद है, उनके बारे में इतना चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन द नेक्स्ट रेड फ्लैग वुड बी समबडी जो चिल्लाता है, जैसे गुस्से में चिल्लाना बुलाना शुरू कर दे, दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर श्योर। आपको कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट। व्हाट्स योर ट्रिगर पॉइंट? Unfunny people. Unfunny you know, I don't like somebody जो गंदे jokes बना के expect करता है कि आप हंसो. Okay. I think he just. So this is your trigger point. Yeah, मैं बहुत irritated हो जाती हूँ bro. I'm like shush. मतलब तुम बहुत जल्दी irritated होने वाली हो Splitsvilla के अंदर. आपको for example एक लड़का बहुत पसंद आ गया and he also likes you, but वहाँ पे तीसरी लड़की की एंट्री होती है, तो फिर तुम क्या करोगी? लड़के का क्या रिएक्शन है? सिचुएशन थोड़ी समझनी पड़ेगी मुझे ध्यान से। नहीं तुम क्या करोगी अगर कोई और लड़की आ जाती है तुम्हारे कनेक्शन के पीछे? लड़के का रिएक्शन क्या था उस लड़की? समझो लड़के ने भी लाइन दे दिया थोड़ी सी। फिर तो भाई उसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मैं उसको भी छोड़ दूंगी, उसको नहीं मिलेगा। व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स? आई लाइक टू डांस। ओके। आई लाइक टू सिंग। एक्टिंग भी करती हूं। बस यही। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। ओके। या यही है बस। नेवर हैव आई एवर, फिल इन द ब्लैंक। नेवर हैव आई एवर, नेवर हैव आई हैड अ लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड। मतलब सब सुन लो, लड़कों सबका कट जाएगा जल्दी। यार नहीं यार, ये कैसे मैंने कैसे कब दिया मैंने ये व्यू कि मेरा नहीं कटता है, ये कैसी बात हुई? ओ सच में आपका भी कटा है?
इतनी सेक्सी हॉट लड़की, अगर मैं लड़का होती तो मैं तो तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हारी उदासन पूरा टाइम 24 घंटे मुझे चाहिए होता। बस कोई लड़के को समझा दो यही बात। You would get along with someone if fill in the blank. If they are funny. This is a big one for me. Funny होना चाहिए इंसान। Funny होना चाहिए। But ऐसा वाला funny नहीं कि stupid funny हो, मतलब sexy funny होना चाहिए थोड़ा। You understand what I mean? Not like a like more of a हाँ जी मेरा joke, everybody laughed. Like that kind of funny. आपका one line bio क्या होगा? If he's going to ruin your life, he better have a motorcycle. तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज आप किसी लड़के को डेट करने ही वाले हो तो उसके पास मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब यार एक मोटरसाइकिल बहुत हॉट लगती है लड़कों में और लाइफ 90% पॉसिबिलिटी है कि वो रुइन कर देगा, तो एटलीस्ट मोटरसाइकिल हो तो कम से कम आप वो यादों पे तो रह सकते हो कि अरे मोटरसाइकिल पे यहां गए थे वहां गए थे। अच्छा बाइक पे घुमाया आपको वो याद है। ओके, आर यू अ थ्रिल सीकर और अ रोमांटिक टाइप? बहुत गलत होगा क्या आंसर इसका? नहीं सही होगा, बताओ क्यों? रोमांस में भी थ्रिल होना चाहिए ना थोड़ा। हाँ बस फिर। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके शोभिका। गाइस गाइस स्टे ट्यून्ड टू एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 15 फॉर मोर वीडियोस। कीप वाचिंग, बाय।